आप लोगों ने क्या मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो यार कर दो। वेलकम, आज आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं गेमिंग विद जय। और अब लाइक शेयर ठोक देना यार प्लीज। नहीं लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, लाइक ठोक ही दबा के। तो फिर अभी हमारा वर्ल्ड बन चुका है। अभी हम सबसे पहले वो कर लेते हैं, हम लकड़ियां तोड़ लेते हैं। चल बहुत वेट करवाते हैं ये माइनक्राफ्ट वाले लकड़ियाँ तोड़ने में। एक ही पंच में टूट जाती तो क्या जाता, फिर पिकेक्स पे इंचेंटमेंट लगानी ही नहीं पड़ती। पिकेक्स और एक्स पे नीचे हम क्राफ्टिंग टेबल रख देंगे, पर क्राफ्टिंग टेबल पहले तो बनाना पड़ेगा। तो फिर बनाते हैं, लॉग्स के प्लैंक में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 प्लैंक हो चुके हैं, अच्छी बात है। चार चार लॉग्स के 6 लॉग्स में 24 प्लैंक्स, चलो वहाँ नीचे ही रख देते हैं जहाँ प्लस है था। ओपन, अभी स्टिक्स बना लेंगे। पहले तो 4 स्टिक्स से हो ही जाएगा काम। अभी पिकेक्स नहीं, एक्स बना लेंगे, फिर पिकेक्स बनाएंगे, क्योंकि अभी एक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वुड तोड़ना है, फिर पिकेक्स की, फिर स्वॉर्ड की। पर अभी ये स्टिक्स नहीं बची। अभी मुझे ऐसे वाले ट्रिक आती नहीं है, मैं नया नया सीख रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। चलो एक्स तोड़, एक्स से चलो अभी कोली माइन कर लेते, उससे देखा। पर सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल तो लेना ही भूल गया, सोचा पहले कि ले लेता हूँ, फिर सोचा कि नहीं लेता हूँ। आए ये तो फायदा हो जाए, वो तोड़ डालते हैं अभी। जल्दी जल्दी टूट रहा है सभी। चलो तो फिर अभी हम जाएंगे और कोल माइन करेंगे। मेरी गेम ग्लिच मार गई लगता है, या फिर वीडियो शूटिंग में प्रॉब्लम आ गई हो। 2,000 years later. हाँ तो कोल माइन कर लिया और उसके बाद अभी हम आ गए। शिप्स 2 मैंने मार चुका हुआ और ये तीसरी मर गई। अभी मुझे 3 वूल मिल चुके, तो मैं अभी वो बना लेता हूँ बेड क्राफ्टिंग टेबल से। और मुझे रास्ते में आते आते बहुत सारे कोल मिल गया, तो उस कोल का मैंने टॉर्चेस बना ली। अभी हम यहाँ बेड रख देंगे और सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी आए उससे पहले मुझे सोना है यार, नहीं तो फिर ज़ॉम्बी आ जाते हैं तो मेरी फटती बहुत है, क्योंकि मैं मर जाऊँ और मेरे पास अच्छा अच्छा थोड़ा बहुत सामान है। रिस्पॉन पॉइंट तो सेट हो ही गया है। 2,000 years later. तो हम सो गए थे और अभी जगे। गुड मॉर्निंग आपको और मुझे भी। अभी पता नहीं माइनक्राफ्ट की गुड मॉर्निंग होती है फिर बैड मॉर्निंग। चलो तो फिर हम पहले तो प्लैंक्स तोड़ लेंगे, क्योंकि घर भी तो बनाना है। ओक सैपलिंग्स का नहीं, सैपलिंग्स का कह रहा हूँ, ओक प्लैंक्स का घर बनाएंगे हम, ऐसा कह रहा है। तो फिर पहले तो तोड़ते हैं जल्दी जल्दी सारा। तो फिर मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं 20 वुड, तो उस 20 वुड का हम घर प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत सारे हो जाएंगे मुझे पता है। देखो 64 हो चुके हैं और प्लस 16 और 2 छिले हुए आ गए थे मेरे पास, तो 24 हुए। अभी हम
मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ऐसी वैसी थोड़ी खटारा डिजाइन हो तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है, हम घर तो बना ही लेंगे जैसी भी डिजाइन हो वैसी। A few moments later. हमको तो घर से मतलब है, हमारा घर रेडी हो चुका है और मैंने उल्टी सीधी जगह पे वुड रखा दिया है तो वो कर लूंगा, और ये जो टॉर्च कोल मिला था उसकी लगा देते हैं हम। अभी हम पहले तो एक्स से ये उल्टा सीधे जो वुड लगा है ना वो तोड़ देते हैं हम, या साइड पे एक वुड लगा देंगे। सारे वुड हमारे पास खत्म हो गए तो ये वुड को तोड़ के ही दूसरी जगह लगा देंगे, साइड वाला तोड़ देते हैं अभी। अभी ये बीच वाले दो हो गया काम तो खत्म। लॉग्स के भी प्लैंक्स बना लेंगे और वो जो जगह बाकी है उस जगह। अभी रात नहीं हुई है तो भी मैंने सोचा कि सो जाता हूँ, दिन में भी सोने में क्या हर्जी है। चार ही ब्रिज वुड है, क्राफ्टिंग टेबल एक साइड पर रख के हम वो बना लेंगे, वो क्या कहते हैं डोर। मैं एक्स की जगह प्लैंक्स से तोड़ रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल, या ये दो जगह पे बना लेंगे हम दरवाजा एक साइड पे भी, तो फिर एकदम बड़ा दरवाजा बन जाए। और माइनक्राफ्ट में 3 डोर क्यों देते हैं, क्योंकि ऐसे एंट्रियंस पे आलीशान डोर बनाओ, दो डोर डोर वाला डोर लगाओ, दो डोर और पीछे एक डोर, तो पीछे का दरवाजा और आगे का दरवाजा सेम हो गया, इसके लिए देखते हैं। आपको ये पता था, कमेंट कर देना। ये विंडो बनाते हैं हम, और फिर या हम वो तोड़ेंगे और वहाँ हम लगाएंगे डोर, ग्लिच बहुत मार दिया गेम, साइड पे लग गया भूल से, या लग गया, हाँ लग गया है डोर, आपको दिख नहीं रहा होगा, पता है ग्लिच मार दिया गेम। डोर बंद करके हम सोने की अभी कोशिश करेंगे, अभी नींद आ जाए तो शायद तक, पर अभी भी नहीं आई, मेरी तो किस्मत ही नहीं है। दिन को भी सो नहीं सकता, रात को भी नहीं सो सकता, ये डर्ट ब्लॉक तोड़ डालते हैं, अभी इसका कुछ काम नहीं है। अभी इधर हम जो कुछ काम कर लेंगे, हम पीछे से देखता हूँ कि ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने ऐसे साइड्स नहीं रखी घर की, तो डिज़ाइन में अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था कि वुड की बचत होगी, इसके लिए नहीं रखी। मैं हुई लालचू आदमी, कहूँ ना मैं। जॉइंट ट्री हाउस, ट्री से जॉइंट है हाउस, पता है मुझे, ग्लिच मार गई फिर से गेम। मुझे गेम खेलने भी देगी ये आपके साथ के नहीं खेलने देगी? तो फिर अभी बेड पे सोने की कोशिश करते हैं, अभी भी रात को ही सोने के बाहर दरवाजा खोल के देखते हैं, पर दरवाजे खोल के भी क्या काम है, दरवाजे बंद ही कर देंगे हम। अभी हम क्या करें, घर की डेकोरेशन कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्राफ्टिंग टेबल साइड पर रखेंगे और ये घास है वो तोड़ेंगे। हाँ यार घास बहुत गंदी लग रही है, तो फिर मैं ये भी प्लैंक्स बचाने के लिए, घास लगी हुई थी तो मैंने रहने दिया, ये तो मैं तोड़ डालता। मैं बहुत वुड वुड के मामले में बहुत लालची हूँ मैं, कहूँ तो। लग गया, अभी ये एक घास बाकी है, और नीचे की भी थोड़ी डालते हैं डर्ट ब्लॉक वाली। साइड पे भी, और क्या क्या करें हम, अभी अभी तो हो ही गई है रात, हाँ सो गए। अभी हम क्या करें, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि माइनिंग पे चलता हूँ। दरवाजा बंद, पिकेक्स बाहर,
और चलो माइनिंग पे। इस साइड ही जाए, मुझे लगता है उस साइड जाना चाहिए। शिप का वो ये सब पड़ा है, शिप्स को किसने मारा? एक शिप तो, अरे दूसरी भी है, और ये कुत्ता इधर से आ रहा है, और ये शिप की पड़ी हुई है। ये भी इसको मारने का मन कर रहा है, पर डर है कि मैं ही ना मर जाऊं। अभी हम क्या करें? अभी हम इस साइड चलते हैं माइन पे, कोई हो तो अच्छी सी, या फिर मैंने उस साइड एक देखी थी माइन, वहाँ जाएंगे। कुत्ता तू फिर से रास्ते में आ गया, अभी तेरे को पड़ेगी एक सटाक। नहीं, एक काट डाला। हाँ मैंने भी उसको काट डाला चाकू से, पर मैंने उसको दांत से नहीं काटा, सही बोलता हूँ। अभी जा ही रहे तो घर बताते चलो। ये देखो, ये है मेरा आलीशान, नहीं है पर महल है, समझ लो। अभी इस साइड देखो, ये माइन है, वो दिख रही होगी आपको। दोनों जगह अंधेरा है, भूत की तो लाइन ही होगी, मेरे पास पता ही है मेरे को, तो फिर भी दिखा ही दूंगा मैं आपको। हाँ इस साइड चलते हैं, टॉर्च लगाई फिर भी उजाला नहीं हुआ। उजाला हुआ 1 ही सेकंड में, और क्या हुआ, भूत आ गया क्या? टॉर्च को भुजा डाला क्या? नहीं भूत तो नहीं है, तो क्या हुआ था, वो ग्लिच हुआ था कि नहीं? एक टॉर्च भी वेस्ट हो गई। अभी ऊपर जाएंगे हम, और ये नीचे वाली गुफा में अभी जाना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि इधर तो डेड एंड। दिखा देता हूँ आपको, हाँ देख लो, टॉर्च रख के दिखाऊंगा, चेक मैं भी कर लेता हूँ कि डेड एंड है ही ना, कि ऊपर से थोड़ी बहुत टूटी फूटी है तो उजाला आ रहा है। मैंने सोच रहा हूँ कि यहाँ से स्टोन ले लो, क्योंकि आयरन पिकेक्स नहीं, वो स्टोन पिकेक्स बना लूंगा तो फिर चल जाएगा। अभी हाँ, 3 आ गए स्टोन्स, तो फिर स्टिक्स बना लेते। अभी 5 स्टिक्स बन गई, एक रेडीमेड थी मेरे पास, गिरी हुई मिली थी। अभी हम क्राफ्टिंग टेबल को उठा के नीचे नहीं रख सकते, तो हवा में ही रखेंगे, फिर यही सजा है। हाँ तो रिया हम क्या करें, स्टिक्स से एक स्टोन पिकेक्स बना लेंगे। अभी हम तोड़ डालते हैं पिकेक्स से, मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ूंगा। 5 ही सेकंड में टूट गया, देखा स्टोन पिकेक्स कितनी स्ट्रांग होती है, डायमंड पिकेक्स को भी पीछे छोड़ दे। डायमंड पिकेक्स के वुड तोड़ के देखना, और स्टोन पिकेक्स है, ये तो रिवाइन है शायद तक। रिवाइन ही है। तो फिर चलो कैसे जाए, अरे गिर गया, शट 4 ब्लॉक से ही गिरा हूँ। अच्छा है यार नीचे पानी है, तो मैं सोचा कि कूदूँ और पानी में ही जंप मारूँ, पर अगर पानी में जंप नहीं मारे तो मैं मरूंगा, तो फिर भी मैं ट्राई करना चाहूँ। ओ एकदम साइड पे, मतलब थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता तो मैं मर जाता, पर मैं साइड पे आ चुका। अरे क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? अच्छा चलो तुम्हारा स्वागत कर ही देंगे हम, चल मर जा। अबे यार फिर से 4 हार्ट का हूं मैं अभी। हाँ पीछे, हाँ चलो लावा में, ये मर गया, बहुत दुख हुआ ये जान के मर गया, पर मारा भी तो मैंने ऐसा, तो खुशी हुई। हार्ट बहुत कम है, इसके लिए मुझे खाने पड़ेंगे हार्ट्स। अभी हम ये रॉ मटन ही खा लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फर्नेस नहीं है। हार्ट्स अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 3 हार्ट हो चुके हैं मेरे अभी, और मैं खा नहीं पा रहा, और हार्ट एकदम धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। मुझे फास्ट हार्ट बढ़ने चाहिए, मुझे लगता है उस साइड मकड़ी होगी, पर पता नहीं, शायद तक ही हूँ, तो मैं चेक करना चाहूँगा। और मकड़ी भी फ्रेंडली ही है, क्रीपर भी फ्रेंडली है, वो आता है और दोस्ती के लिए गले मिलते हैं, और गले मिलता है, और फिर दोस्ती दोस्ती में प्रैंक कर देता है, और फिर हमको मार डालता है।
या इस साइड कुछ है या कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्या है नीचे? ओहो गुफा है, पर मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि मर गया ना तो अच्छा अच्छा सामान चले जाएगा। वहाँ देखो आयन, तो आयन तोड़ लेते हैं हम। आयन टूट गया। देखो स्टोन पिकेक्स का तुम अटैक देखो, सिर्फ ये ग्रेवल आ जाता है। दो तीन स्टोन्स ले लेता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, जैसा काम आ जाएंगे। पर ग्रेवल आ जाता है, इसके लिए मुझे इधर तो नहीं देखना, ऊपर बहुत सारा ग्रेवल है। तो फिर भी मैं स्टोन्स लेने की कोशिश करूँगा। तो फिर ले लेते हैं फ्लिंट एंड स्टील। क्रीपर आके अभी ही फटा और मुझे मिल गया है, दो फ्लिंट एंड स्टील है। और अभी हम क्या करेंगे, क्राफ्टिंग टेबल निकाल के हम क्राफ्टिंग टेबल रख देंगे, और उधर हम बिल्डिंग ब्लॉक जो लिए थे ना उससे हम वो बना लेंगे जिससे आयन पक जाए, फर्नेस। तो फर्नेस 7 से ब्लॉक से हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। एक और चाहिए होगा शायद तक। हाँ देखो एक और चाहिए, नीचे है ब्लॉक, तो तोड़ डालते हैं। हो गए 8 ब्लॉक, और गेम ग्लिच मार गई फिर से। ये ऐप में ही कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, पता नहीं गेम में प्रॉब्लम है कि ऐप में। कॉबल स्टोन से हम वो बना लेंगे फर्नेस। अभी मेरे पास फ्लिंट भी है और एक आयरन इंगट भी बचेगा। अभी मैंने सोचा था कि एक पिकेक्स बना लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी ही डायमंड मिलने वाला, पर किस्मत तो देखो हम यहाँ ऐसी जगह फंस गए रिवाइन में कि हम ऊपर भी नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बकेट तो चाहिए होगी। अगर ऊपर ऐसे हम आयरन इंगट का वेट करेंगे और इधर से ऊपर जाने की कुछ तैयारी करेंगे। अरे क्राफ्टिंग टेबल में क्या देख रहा हूँ मैं, मुझे फर्नेस में देखना है। एकदम गेम धीरे धीरे चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही। अगर स्मूथ चलती ना तो अच्छा रहता। दो आयरन इंगट हो चुके हैं और अभी ये तीसरा हो रहा है। अभी ये लास्ट है और फिर हम पर शायद तक। मैं सोचा हूँ कि एकदम वाटर बकेट से एकदम बड़ी लिफ्ट बनाएंगे और ऊपर चढ़े चले जाएंगे, पर मुझे पता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं एकदम नूब हूँ माइनक्राफ्ट में। सबसे मैंने अभी ही चालू किया है, 2-3 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। चलो अबे फर्नेस टूट जाना, मैं पिकेक्स के अलावा फर्नेस तोड़ रहा हूँ। हाँ अभी पिकेक्स से तोड़ता हूँ। अभी अभी हम ऊपर जाने का रास्ता बनाएंगे, ग्रेवल को भी मैं पिकेक्स से तोड़ूंगा। एक ग्रेवल मिल गया। अरे यार यहाँ नहीं लगाना था, थोड़ा आगे लगाना था, फिर से यही लग गया। और हम चले गए बाहर। चले गए हम बाहर और अभी एक क्रीपर फट गया, नहीं फटा, ग्लिच ऐसा मारा के लगा कि क्रीपर फट गया। मेरे हार्ट्स तो सेफ ही है, उतने ही है जितने थे। तो अभी मैं बकेट बना लूंगा। ये माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन है जो मैं फोन में खेल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए ऐसा जावा एडिशन तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बहुत ही जल्द दे दूंगा। अगर आप मेरी चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स भी करवा देते हैं तो फिर भी मैं आपको दे दूंगा, पर 100 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए आप प्लीज। हाँ अभी हम प्रो वाले ट्रिक करेंगे, जो मैं नूब हूँ
और नूब को नहीं आती वो ट्रिक। गिर गया। हार्ड से तो कम है, इसके लिए बहुत डर लग रहा है। बहुत अच्छा अच्छा सामान है, पहले ही वीडियो में आयरन मिल चुका है, वो वाला आयरन। अभी हो जाए तो ऊपर नहीं लग सकता, इसके लिए नीचे ही लगाना पड़ेगा। ऊपर गया, अरे साइड पे आ गया मैं तो। फिर भी चलो अभी इधर से ऊपर ही चलते हैं हम। गेम ग्लिच मार गए और हम लावा में गिर गए, और अभी घर में आ चुके हैं हम। मैं जाता हूँ अभी वापस और लेता हूँ। और ये क्या, रात हो गई, अभी जाना पड़ेगा घर पे और सोना पड़ेगा। क्या कि मेरा सामान तो वापस नहीं मिलने वाला, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप ये वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।